क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल का, इनके जो सभी यहाँ पर पदाधिकारी बैठते हैं, यहाँ पर काम करने वाले साथी सहयोगी सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस पावन अवसर पर। जबकि ये समय गांधी जयंती का चल रहा है, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे पुरानी याद ताज़ा करने का मौका मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने साथी पम्मी जी, जिंदी भाई, नारायण भाई, इनके पास बैठता था, फिर यहाँ पर आ भी जाता था। मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा कि उस समय के यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, एक कुछ चेहरे तो मुझे याद आ रहे हैं, मैं मिलता था उनसे, तो आज दोबारा मेरे को वही याद ताज़ा करने का मौका मिला। मैं अभी भाई साहब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, जब ये मुझे बोलने के लिए कहेंगे तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मैं एक्चुअली कभी पहले सोच के नहीं आता क्या बोलना, मौके के ऊपर जैसा मोल होता है वैसी बात करता हूँ। तो खड़े खड़े मेरे को एक ख्याल आया कि आपने ही बोला कि मोदी जी ने 8 बार मन की बात में ये बात रखी गांधी जी के लिए। केवल मन की बात में नहीं, व्यक्तिगत जब हम सांसद भी इकट्ठे होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, या पार्टी मीटिंग में कभी अवसर मिलता है उनको सुनने में केंद्रीय कार्यालय में, हमेशा ही उनका इस बात का बड़ा आग्रह रहता है कि आप खादी को अपनाओ जीवन के अंदर। खादी इसलिए नहीं, भी नेता है तो खादी पहननी है, उन्हें का खादी से कई परिवार जुड़े हुए हैं। आप केवल एक खादी का कपड़ा नहीं पहनते, आप अनेक परिवारों को एक सपोर्ट करते हो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं कह रहा था भी भगवान राम की बात हम करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं बीजेपी वाले, बात हम राम की करें और राम के आदर्शों का दूर दूर का हमारा नाता ना हो, बात हम राम की करें और भाई का ही हक मार लें, तो हमने क्या राम का तो एक आदर्श सुई की नोक के बराबर भी नहीं किया। तो ऐसा मुझे लग रहा था ये अच्छी बात नहीं। आप भी कहोगे कि भगवान राम की आप बात करते हो और भाई का हिस्सा तुमने मार लिया। तो मैं वही सोच रहा कि गांधी जी की बात करने वाले लोग गांधी जी के नाम पर ही वर्षों सरकार में रहे, सरकारें चलाते रहे, लेकिन गांधी जी के मन की बात ना तो किसी ने समझी, ना उनके आदर्शों को समझा, ना किया। हालांकि गांधी जी का हमारा नाता दूर करते थे, कहते नहीं ये तो जो गांधी जी की प्रकार से हमसे वो जोड़ देते थे कि ये तो उस विचारधारा के, आज तक भी कांग्रेस के लोग ये हमारे को प्रताड़ित करते हैं। उस समय हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, पूजनीय गुरु जी थे, उनको जेल में भी डाल दिया इस एलिगेशन में, वो पाक साफ होके निकले। वही इनका कभी कुछ उनके साथ लेना देना नहीं था, हिंदू महासभा के एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इनकी हत्या करी, हम उस बात को सपोर्ट नहीं करते, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं, अपने विचार को आप जबरदस्ती किसी के साथ, उनका विचार ठीक है, वो असहमत थे गांधी जी के विचारों से, कई चीज़ों से सहमत नहीं थे, लेकिन उसका ये तरीका नहीं कि आप उनकी हत्या करें। तो उसके साथ हमारे को जोड़ा गया, जबरदस्ती टैग किया गया, चलो वो पड़ताड़ना भी हम लोगों ने सहन करी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग तो गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी की बात करते थे, गांधी जी के नाम पर वोट देते थे। जो गांधी जी ने चाहे स्वच्छता की बात करी हो, चाहे जात पात के विरोध में बात करी हो, चाहे खादी को बढ़ावा देने की बात करी हो, आपने तो कोई काम भी नहीं करा, आप तो उनके फॉलोअर थे, और हमें आप विरोधी बताते हो, ये बीजेपी वाले, जनसंघ वाले, आरएसएस वाले गांधी जी के विरोधी हैं। हमने तो कोई काम ऐसा नहीं करा जो गांधी जी की इच्छा के अनुरूप हो। आप मोदी जी को देख लो, जब से आए जो भी गांधी जी के आग्रह थे उनको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। दूसरा, आजादी की लड़ाई में गांधी जी का इतना बड़ा योगदान है, और आप ये समझो कि इतने बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे, और वो चाहते तो बड़ी अच्छी वकालत करके पैसा कमा सकते थे। आम आदमी अगर किसी से डिस्कशन करोगे तो सोचेगा वो इतना सयाना आदमी, इतना बड़ी अमानत कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई ने छोड़ के चरखा उठा के कातने लग गया, ये क्या चीज़ है। आजकल लोग फोटोशूट के लिए चरखा जरूर काटते होंगे, वो फोटोशूट तक नहीं, लेकिन उन्होंने इस हिंदुस्तान की ताकत को समझा। हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन हम इतने एडवांस नहीं थे कि हर आदमी को काम मिल सके। उन्होंने हर हाथ को काम दिया और उसी माध्यम से सबको यूनाइट कर दिया। अभी मैं उनकी प्रार्थना पढ़ रहा था, मैंने अपने पास रखी है, उसमें भी है कि एक रूप हो जाए हिंदुस्तान, यही वो भगवान से मांग रहे हैं कि एक रूप हो जाए, कि कम से कम एक दिशा में चले। उन्होंने एक मत तो बना ही दिया सबका, सारे हथियार उठाने वाले नहीं थे, सारे अंग्रेजों को गोली मारने वाले नहीं थे, उन्होंने विचारों से और चरखे से एक रूप तो कर ही दिया कि भाई अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना ही चाहिए, ये एक रूपता तो उन्होंने सबके मन में डाल दी। आज हम गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती सेम डे होती है 2 तारीख की, हम सब उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो गांधी जी आज भी वो बातें रेलिवेंट है, हम सोचे कि हमने सिर्फ ये गांधी जयंती मनानी है, ये खादी की छूट है, ये नहीं, ये बातें अलग है। जो भी नशे के विरोध में उनका मन था, अभी नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है गांधी जयंती पर हम ड्राई डे कर देते हैं,
तो लेकिन वो उनका भावना क्या थी, उस भावना को हमें समझना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सब लोग उसमें मेहनत करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके साथ जिन्होंने भी कारोबार शुरू करा होगा, चाहे 10 खड्डी भी लगाई होंगी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे, लेकिन खादी को लेकर चलने वाले लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ जो खादी से जुड़े, जो संस्कार और जो विचार उनके बच्चों में है, जो खादी से लोग जुड़े, शायद वो बड़े बड़े कोठी और कारोबारों के पास वो संस्कार नहीं है। आप भाग्यशाली हो इस खादी आंदोलन से जुड़े और आपने इसका मुझे हिस्सा समझा, अपने बीच मिला है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।